हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे और मेरी रेसिपी से इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए स्पेशल डेजर्ट। देखिए क्या बना रही हूँ मैं ये आज, मीठा बहुत अच्छा सा, जो आप ईद पर बनाएं और सबको कर दें, अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को खुश। तो चलिए हम डेजर्ट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार बना हुआ है। दूध हमारा अच्छे से पक रहा है, मिल्क। अब हम इसमें पहले लेयर लगानी है, तो हम पहले रस की ना लेयर लगा लेते हैं, पापों की हम लेयर लगाते हैं, इस तरह रख देंगे। ये दूध हम अच्छे से पहले पका लेते हैं। 1 kg मिल्क है ये अभी फ़िलहाल, और इसको हम बहुत अच्छे से पका लेंगे। इसमें मैंने शुगर ऐड की हुई है, 5 teaspoon मैंने शुगर ऐड की। अब हम इसमें मिल्क जो हमने अच्छे से पकाया हुआ है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम ये इसमें डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत सॉफ्ट नहीं करने, थोड़ा सा इनका क्रंची क्रंची आपको आना चाहिए। अब इसको हम रबड़ी की तरीके से ना अच्छा सा पका लेंगे मिल्क। अच्छा, ये मैंने इसमें टेट्रा पैक और मिलाया है मिल्क, ठीक है, और वो हाफ हमने ये भी पकने रखा हुआ है, इसको तो खूब थिक करना है। अब ये हम पहले इसमें देखते हैं क्या मिलाते हैं, देखते रहें द ब्यूटी शेफ। ये इसमें कस्टर्ड पाउडर डालते हैं, वनीला मैंने लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी लें कस्टर्ड। वो नीम गरम है, इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम उसमें डालेंगे जो हमारा मिल्क पक रहा है। अभी जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स किया है ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि लम्स ना। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, फोर टी स्पून। कस्टर्ड पक जाएगा, थोड़ा थिक हो जाए, तो फिर हम इसमें लेयर लगाते हैं। इसमें क्रीम डाल दी, ताकि अच्छे से ये थोड़ा हमारा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। ये रस्क पर हम क्रीम की लेयर दे देते हैं, इसको स्पैचुला से मैं बराबर कर देती हूँ। ये मैंने 2 टाइप के बिस्किट लिए हैं, आपकी मर्जी है, एनी काइंड ऑफ बिस्किट आप ले सकते हैं। ये मैं एक लेयर इसकी दूंगी अभी, और एक लेयर हम बाद में देंगे, ठीक है। इस तरह हम लगा देंगे, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको दूसरी लेयर देंगे। ये जो रबड़ी वाला दूध था वो मैंने थोड़ा उसमें डाल दिया था मिल्क लेयर पे, और अब हम एक और चीज़ बनाने लग रहे हैं, तो इसलिए एक लेयर और देंगे। तो उसके लिए मैंने टेट्रा पैक और डाला है, तो 1.5 liter हमने मिल्क यूज़ किया है, 1 liter फ्रेश और 1/2 liter हमने टेट्रा पैक लिया। ये कस्टर्ड हमारा हो गया रेडी, अभी बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, फिर हम इसको लेयर देते हैं। कस्टर्ड हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, अब ये लेयर दे देते हैं, इस पे बिस्किट की और लेयर दे देते हैं, ताकि ये और लेयर वाला थिक हो जाए। बिस्किट आप कोई से भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल हो आपके पास, तो आप उनको इस तरह पीसेस करके भी लगा सकते हैं। पर फिर आप लोग ये मीठा बना रहे हैं, इंशाल्लाह ये डेजर्ट आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये देखें अब ये लेयर हमने एक और दे दी कस्टर्ड और बिस्किट की, अब लास्ट इसकी लेयर देंगे, वो बनाते हैं। मैंने लिया है पुडिंग, एग पुडिंग लिया, आप कोई सी भी ले सकते हैं, पुडिंग का पैकेट। मिल्क मैंने 1/2 kg मिल्क है, अब ये इसमें इसको पका लिया, ये अब इसको हम
चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े जल्दी जल्दी पुडिंग को। ये पुडिंग हमने एक मिनट तक, बस एक से दो मिनट पकानी थी, ये पक गई है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको डालते हैं, लेयर लगाते हैं। अब ये हम पुडिंग को डाल देते हैं। जी गाइस, ये हो गया है हमारा एक अच्छा सा डेजर्ट रेडी। इसका नाम मैंने अभी तक नहीं रखा है, नाम इसका कुछ अच्छा सा रख देते हैं। और ये देखें बन गया, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनता है ये, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ईद पर बनाएं, जुमातुल विदा पे बनाएं, वैसे बनाएं, कोई आपके घर में कोई तकरीब है उस पर बनाइएगा ज़रूर। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा, इसको बहुत ठंडा करके मज़े से खाइएगा। इस समर डेजर्ट है, क्योंकि अब जब गर्मियाँ आ गई हैं उसमें ये ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा देगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए उठाइए मोबाइल और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मोर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसको निकालते हैं, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो गया है ये, सर्व करते हैं, देखते हैं। ये देखें गाइस, ये हो गया हमारा, ये बहुत ज़बरदस्त वाला डेजर्ट है। ये देखें मज़ेदार लग रहा है, इसको अभी हम खा के बताते हैं। बहुत ही यमी लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त।